हरे कृष्णा, मैं कृष्णवंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जगन्नाथ जी के लिए बना रहे हैं गट्टा करी। तो गट्टे की सब्ज़ी राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्ज़ी है। जिन लोगों ने नहीं खाई है वो एक बार ज़रूर इसको घर पर बनाएं। उसके लिए सबसे पहले एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच धनिया, खड़े मसालों को कूटना है, आधा किलो बेसन लेना है, उसको छान लेना है, उसके ऊपर आधे अपना कुटा हुआ मसाला इस पर डालना है और थोड़ा सा मात्रा में मैंने रख लिया है, वो बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करना है हल्दी पाउडर, हींग, हींग का फ्लेवर गट्टे में बहुत अच्छा आता है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर नमक मैं लगभग 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ। गट्टे में जो हम मोमन लगाते हैं वो हमेशा घी का लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, इसका जो टेस्ट है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम घी ऐड करेंगे। यदि आप घी ऐड नहीं करना चाहते तो रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और इसका जो डो है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें लगाना है, और लूज़ डो नहीं लगाना है इसका। इसको जब हम अच्छे तरीके से गूंथेंगे तो हमें इसको टाइट रखना है, लूज़ रहेगा तो हमारे जो गट्टे हैं जब हम इनको बॉईल करेंगे वो पानी में जाके बिखर जाते हैं, यही कारण होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड करना है, और ये जो गट्टा करी है ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसको चूरमा के साथ भी राजस्थान में बनाया जाता है, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा, चटनी। थोड़ा सा और हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है और इसमें वापस हम घी लपेट देंगे, और यहाँ पर हमारा जो डो है वो बनके तैयार हो गया है। एक्चुअली में जो गट्टे की सब्जी है ना, इसका क्या है रहस्य, गट्टे की सब्जी राजस्थान की पारंपरिक सब्जी है जिसमें बेसन को इस तरीके से तैयार किया जाता है और इसके छोटे छोटे रोल्स बना के कट करके इसको पानी में बॉईल करके और ग्रेवी में फिर बाद में पकाया जाता है। अगर आपके पास सब्जी ख़त्म हो गई हो तो आप भी ये गट्टे की सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और इससे जो सब्जी तैयार भी होती है वो बहुत ही डिलीशियस होती है, साथ में ही आप इसको रोटी या सादे पराठे के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इसको हमने आटे के डो को डिवाइड कर लिया है और इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर ही अब इसके हम पतला पतला सा इसका रोल बनाएंगे, और सभी जो कट किए हुए हैं उनको इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला रोल बनाना है। और यहाँ पर हमारे रोल तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में हमने पानी पहले ही बॉयल करने को रख दिया था और इसको अब ऐड करना है। जब तक हमारे ये गट्टे हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल होते हैं तब तक हम तैयार करते हैं अपने महंगे टमाटर का पेस्ट। तब आपको गट्टे वाला, जिस भी बर्तन में आप गट्टे बॉयल करें उसको ढक दें। महंगे वाले टमाटर इसलिए क्योंकि टमाटर का भाव इस टाइम बहुत आसमान छू रहा है। टमाटर की प्यूरी यहाँ पर तैयार हो गई है, और जो गट्टे हैं उसके पकने का साइन ये होता है कि इनमें ऊपर हल्का हल्का सा फपोले टाइप में आ जाता है। यहाँ पर हमने 1 बड़ा बाउल दही लिया है। दही में सबसे पहले हम अपने मसाले भिगाएंगे, तो उसमें हमने लिया है हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, सॉरी ये रेगुलर मिर्च हैं और 1 चम्मच, और थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे जो हमारा सब्जी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको अब हमें करना है मिक्स। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस गिने चुने ही मसाले जाते हैं, और इसका जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें विदाउट ऑनियन गार्लिक गट्टे की सब्ज़ी। और देखिए हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि इसमें फपोले से पड़ गए हैं, और एक काट के देख लें आसानी से ये कट रहा है। अब इसको आता है निकालने का टाइम, तो गैस बंद कर दें और इसको निकालना है हमें एक प्लेट में। ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे, और ये पानी है बॉईल करने वाला, इसको फेंकना नहीं है। इसको आप किसी भी बर्तन में निकालें और इसको ही हम बाद में सब्जी में ऐड करेंगे। तो गट्टों को काट लेना है। गट्टे 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो इस तरीके से काट लें आप और उसको डायरेक्ट जो मसाला है उसमें डाल दें, एक इसको फ्राई करने का। तो आज हम फ्राई करके बना रहे हैं। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें अब हम करेंगे इनको फ्राई। फ्राई करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं लो मीडियम गैस पर, और इनको निकालें। फ्राई करे हुए गट्टे को आप रख सकते हैं और इसको बाद में ऐड कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट पॉलिथीन में रख दें, ये ख़राब नहीं होते हैं।
अब हमें बनाना है मसाला, तो सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच ऑयल, उसमें डालनी है हींग और जो खड़े मसाले हमने तैयार किए थे जीरे का, सौंफ का और साबुत धनिया, वो हमें इसमें ऐड करना है। सूखी हरी मिर्च 2 ऐड करनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस अब इसमें हमें अपना जो टमाटर है वो ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद बस इसको लगातार चलाते रहें। उसके बाद जब हमारा टमाटर है वो लगभग 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुन जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें दही। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। और जब भी घर में कभी भी सब्जी ना हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये गट्टा करी बना दें। टमाटर ना हो तो केवल दही से भी आप इसको बना सकते हैं। और अब इसमें हमें ऐड करना है दही वाला अपना पेस्ट और इसको लगातार आप चलाते रहें, नहीं तो आपकी जो दही है वो फट जाएगी और जो सब्जी है उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। राजस्थान की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सब्जी है और हर घर में लगभग ये बनती है। आप भी इसको इस तरीके से बनाएं। और ये जो करी है ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। इसी वाली करी में आप बेसन की 2 से 3 रेसिपी इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे बेसन पकौड़ी जो बनती है, पकौड़ी वाली सब्जी, वो भी बना सकते हैं इसी ग्रेवी में। साथ में आप करारा बोलते हैं वो भी बना सकते हैं, गट्टे इसी उसमें बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से एक ही जो होता है ना अपना ग्रेवी, उसमें हम 2 से 3 सब्जियां बेसन वाली बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। मसाला भुनने के बाद मैं आपको इसमें ऐड करना है नमक, थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से चलाना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने गट्टे। आप चाहें तो इसमें पाव भाजी मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, उससे भी टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा। अब हमें इसमें अपने गट्टे ऐड करने हैं। गट्टे ऐड करने के बाद मैं इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालें कि आपको कितना थिक रखना है और कितनी आपको ग्रेवी चाहिए। और ये हमारी जो सब्जी है वो लगभग बन के तैयार हो गई है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस गट्टे बनाने में टाइम लगता है, तो आप गट्टे पहले बना के भी रख सकते हैं, उनको फ्राई करके स्टोर करके रख लें, ख़राब नहीं होते हैं। और जो गट्टे का पानी है वो ही इसमें ऐड करना है, बॉयल करते टाइम जो पानी लिया था वो ही इसमें डालना है और इसको चलाएँ। और हमारी जो डिलीशियस और राजस्थान की फेमस गट्टा करी बनके तैयार हो गई है, तो इसको हम चपातियों के साथ और सिंपल राइस के साथ जगन्नाथ जी को ऑफ़र करने वाले हैं। आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो नई रेसिपी है वो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और देखिए ये देखने में कितनी यम्मी लग रही है, साथ में ये टेस्टी भी बहुत बनी थी। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, बनाने के बाद में जगन्नाथ जी को ऑफर रखना है तुलसी दल डाल के, उसके बाद ही प्रसाद रूप में लेना है, क्योंकि जैसा खाएंगे यान वैसा होगा मन। इसलिए केवल कृष्ण प्रसाद हमें खुश रहें, चैंटिंग न करना भूलें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।